अब इतनी जल्दी उठ गई हैं तो नाश्ता तो करना है, बनता ही है। नाश्ता क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आजकल मैं नाश्ता क्या कर रहा हूँ और मैं किस वजह से मोटा हो गया हूँ। उसकी वजह से सबसे पहले मुझे करनी चाहिए कोलगेट, क्योंकि कोलगेट जो है दांतों को मजबूत करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, साइप्रस में जो सस्ती मिलती है वो करें आप लोग। ये सस्ती नहीं है, आप ये मत सोचिएगा ये सस्ती है, पाकिस्तान से मंगवाई थी मैंने। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान से क्यों मंगवाई है, तो यहाँ पे ये बहुत महंगी है। अब आप लोग कहेंगे नहीं यार बिलाल भाई इतनी महंगी नहीं है, तो जब बंदा न्यू आता है साइप्रस में, जब वो जॉब नहीं करता तो तब उसे यहाँ की चीज़ें थोड़ी सी सस्ती लगती हैं, लेकिन जब वो जॉब करता है, जॉब करने के बाद जब उसे पता चलता है यार एक दिन की दिहाड़ी कितनी है, उसके बाद फिर वो कहता है बिलाल भाई बाकी चीज़ें बहुत महंगी हैं। मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, अपने खाने की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि मैं बहुत ही अपना जो मेरी छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन मैं अपना जो खाना होता है वो मैं किस तरह अरेंज करता हूँ आपको वो भी बताता हूँ। मैं अब करने लगा हूँ अंडा, नमक मिर्च वाला बनाऊंगा, उसके बाद जो ब्रेड है ये वो है, इसमें मैं अपनी चाय बनाऊंगा। बेसिकली मैं दूध यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला मिल्क, ये गाय का यहाँ का बहुत मज़ेदार दूध है। पहले मैं यूज़ कर रहा था कूप शुद्ध, शायद वही फ्रिज में पड़ा हो, अगर पड़ा है तो नहीं वो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये पड़ा हुआ है पाक शुद्ध पाक मिल्क, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करता। आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे ये वाला तो आप लोगों को भी इसका ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। और चले नाश्ते की तैयारी करते हैं अब, बहुत ही लाइट सा नाश्ता। जब भी अंडा फ्राई करता हूँ साथ में अपने एक एक्स्ट्रा या किस तरह का रखता हूँ छापर, ताकि जो भी गंद हो मैं अपना सारा गंद उसमें फेंकता जाऊँ, ताकि एक दफ़ा ही फिर छापर को कीड़ा लगाऊँ और डस्टबिन में फेंक दूँ। उस ऐसा मज़े की बात भी बताता जाऊँ, आज जो है ना मैंने स्लाइस खा रहा हूँ चार, और पहले जो मेरा दिल करता है ना, पहले जो मैं खाता हूँ वो खाता हूँ दो, नॉर्मली दो, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं चार खाऊं, क्योंकि बहुत मज़े का आज मुझे लग रहा है, क्योंकि आज मैं प्रॉपर एक अंडा ठंडा चाय भी साथ बना के तो उस तरह नाश्ता करने वाला हूँ। चाय मुझे बेसिकली पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जब बिस्किट हो या इस तरह ब्रेकफास्ट में किसी पराठों के साथ या ब्रेड के साथ, तो उसके साथ मैं ऑफकोर्स चाय लेना पसंद करता हूँ। अंडा तो अपना हो गया रेडी, अंडा मैंने बड़े मज़े से बनाया है प्रॉपर तरीके से, और इसको अब डालते हैं प्लेट में ऐसे करके। अंडा देखें बहुत ही मज़ेदार लग रहा है,
अब इसमें बनाते हैं हम चाय। चाय मुझे बनानी नहीं आती बेसिकली, तो आज मैं ट्राई करने लगा हूँ, क्योंकि आज दिल कर रहा था ज़रा के चाय पिए साथ। अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो गाइड कर दीजिएगा नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे। पानी इस टाइम गर्म करता हूँ। फाइनली 20-25 मिनट की स्ट्रगल के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है तैयार। तो ब्रेकफास्ट कैसा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने अपने लिए एक स्टील की थाली रखी हुई है जिसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है अरेंज करके रखता हूँ और उसमें फिर खाता हूँ। चाय देखते हैं कैसी बनी है। बेसिकली मेरी ये एक थाली है, इसमें मैं अपना सारी चीज़ें अरेंज करके ही खाता हूँ। स्पेशली मैंने ये चाइना बाजार से लेके आया हूँ 130 TL की। दिखने में शायद छोटी हो लेकिन काम बहुत बड़े हैं। इस टाइम मैं स्टार्ट करने लगा हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और कैसा है मेरा, ऑफ कोर्स मेरे हाथों का बना है, मुझे तो मज़ा आएगा। अगर आप लोगों ने भी करना है तो आप लोग मुझे ज्वाइन करें और मेरे पास आए, मैं आप लोगों को भी अपने हाथ से मज़े से ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊँगा। खैर अभी फ़िलहाल मुझे भूख बहुत लगी है, अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं। ब्रेकफास्ट भी हो गया, बर्तन भी धो लिए, अब 5 बजे जाना है मैंने अपनी जॉब पे। अब क्या करना चाहिए, जाके अंदर फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि खाया पिया। और ये देखें मैंने अपने हिस्से के बर्तन भी धो लिए हैं। यहाँ पे ये होता है अगर आप घर में खाना वगैरह बना रहे हैं सब कुछ, तो हर बंदे की एक एक ड्यूटी होती है। और रेस्टोरेंट्स की जॉब का आपका यही बेनिफिट मैं आप बताता चाहूँ, रेस्टोरेंट्स की जॉब का यही होता है, अगर आप लोग रेस्टोरेंट्स में जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को सब खाना वहीं से बनाना, वहीं से खाना होता है, फिर आपको घर में ये बर्तन धोने इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। और अब हम सारे ही रेस्टोरेंट्स पे ही खाना खाते हैं, वहीं से सब कुछ करते हैं, तो इसलिए हम घर में कोई भी नहीं काम करते, घर में काम की ज़रूरत भी नहीं होती। और फिर अगर किसी का दिल कर पड़े कुछ खाने का तो वो खुद खाता है और अपने काम खुद करता है। ये देखें बर्तन वगैरह मैंने धो लिए, अपने सब कुछ नीट एंड क्लीन करके रख दिए, और अब मैं जाऊंगा अपने कमरे में और फिर उधर ही वही पुरानी रूटीन, वही 5 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और तब तक यहीं पे रहूँगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा। बिलाल भाई को डेढ़ से दुआ में याद रखिएगा, कुछ पूछना हो इंस्टाग्राम पे आ जाएं, वहाँ से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।